अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मीठे दही बड़े। उसके लिए मैंने दाल मूंग ली है 1 कप। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर दिया था, उसका पानी फेंक दिया है मैंने। चॉप करेंगे। चॉप करने से पहले इसमें हम ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, सोडा 1/4 टीस्पून और 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। जब ये चॉप हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। दाल को चॉप कर लिया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करके मिक्स कर लेंगे। अब इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, अब हम बड़ों को शैलो फ्राई करेंगे। डाल के देखते हैं। साइड चेंज कर देंगे हम। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। ऑयल गरम होने के बाद अब एक टिप भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि अगर आपके बड़े नहीं बन रहे हो तो आप इसको फ्रिज में रख दें। इसके बैटर को थोड़ी देर के लिए रखें, फिर बनाएं तो सही बनेंगे। अब इनको हम निकाल लेंगे और इनको अच्छी तरह निकाल लेंगे इसमें से। अब ये जो पानी बनाया था हमने, ये वाला पानी, इसमें हम डायरेक्ट डाल देंगे। बाउल में नॉर्मल वाटर लेंगे, उसके अंदर हम 1 चुटकी नमक डालेंगे, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी डालेंगे और फ्राई करके इसमें बड़े डाल देंगे। डायरेक्ट इसमें डालेंगे, फिर जो है ट्रे में रखेंगे उसका पानी निकाल के। इसको सोक किए हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब इसका दबा के पानी निकाल देंगे और ट्रे में रखेंगे। मैं दही बड़ों का मसाला तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए ज़ीरा 2 टीस्पून भुना कुटा, नमक 2 टीस्पून, चुनी कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून और खटाई 2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम पीस कर पाउडर बना लेंगे। दही बड़ों का मसाला तैयार हो गया, अब हम इसकी इमली की चटनी बनाएंगे। अब हम इमली की चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 1 कप इमली का पल्प ले लिया है। इमली को मैंने आधे घंटे पहले सोक कर दिया था, उसके बीज निकाल दिए हैं। अब इसमें हम तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। गुड़ हमारे पास है 1/2 कप, अदरक पाउडर हमारे पास है 1/2 टीस्पून, काला नमक हमारे पास है 1/2 टीस्पून और ज़ीरा भुना कुटा हमारे पास है 1 टीस्पून और पानी इसमें जाएगा 1/4 कप। तमाम चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरा भी डाल देंगे और 1/4 कप हम इसमें पानी ऐड करके
इतनी देर इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे कि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं और पानी इसका खुश्क हो जाए। तमाम चीज़ों को डाल के मीडियम फ्लेम पे हमने रख दिया है। देखिए चटनी जो है तकरीबन तैयार हो गई है। और तो इसका पानी खुश्क हो जाए तो हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर देंगे। हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम कुकिंग क्रीम, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। हाफ पैकेट हमने इसमें ये ऐड कर, हाफ कप इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी यानी कैस्टर शुगर, मिक्स करेंगे। देखो चीनी और क्रीम को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा और हाफ टी स्पून नमक, इसको मिक्स कर लेंगे, इसको साइड में रख देंगे। मिक्स करके और इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपकी दही थोड़ी थिक है तो आप मिल्क ऐड कर दें। ऊपर हम दही डालेंगे, आधी दही हम डाल देंगे इसके ऊपर, फिर और बड़े रखेंगे, फिर इसके ऊपर बाकी दही डालेंगे। अब इसमें बाकी जो बची थी दही वो भी ऐड कर देंगे। इसमें मसाला डालेंगे जो अभी तैयार किया था हमने। चटनी तैयार की थी ये डालेंगे इसके ऊपर। यम्मी बनते हैं ये, आप ट्राई कीजिएगा। क्रीमी दही बड़े तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।